तो गाइस इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना बताएंगे बिल्कुल इजी स्टेप से। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना है और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस इसके लिए जो आपको अपने होम स्क्रीन में सबसे पहले आ जाना, उसके बाद आपको कोई भी वीपीएन को जो सबसे पहले आपको कनेक्ट कर लेना एंड उसके बाद कैपकट को ओपन कर लेना, जिसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आपको कैपकट को डाउनलोड करके ओपन कर लेना, ठीक है। एंड ओपन कर लेने के बाद आपको जो न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको एक लैरिक्स को ऐड कर लेना है, जिसका भी डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लैरिक्स को आपको कैपकट में ऐड कर लेना। एंड यहाँ पर ऐड कर लेने के बाद लैरिक्स को साइड में आपको एक प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। एंड यहाँ पे ऊपर में आपको एक स्टॉक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको जो एक ब्लैक फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको जो इसको पूरे स्क्रीन पे इस कुछ इस प्रकार से आपको फील कर लेना है, टू फिंगर से आपको टच करके, ठीक है। यहाँ पे फील कर लेने के बाद इसको जो आपको लगभग आपको एक सेकेंड नहीं 0.7x के आसपास आपको सेकेंड के आसपास रख लेना है इस ब्लैक फोटो को, ठीक है। एंड इस लैरिक्स के बाद आपको रखना है इस ब्लैक फोटो को। एंड उसके बाद फिर से आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से हम जो अपने फ़ोटो को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, आप लोग भी फ़ोटो अपने को अपना फ़ोटो आप ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करके नीचे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद ये देख सकते हैं, ये जो हमारा फ़ोटो जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपको फ़ोटो को जो है आपको दो दो सेकंड रखना है अपने फ़ोटो को, ठीक है। यहाँ पे दो सेकंड हम अपने फ़ोटो को कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आपको जो है यहाँ पे आपको नीचे एक ऐड ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो आपको एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड आपको जो है वीडियो का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना उस वीडियो को, ठीक है। एंड यहाँ से सेलेक्ट करके आपको जो इसको साउंड को इम्पुट कर लेना है इस वीडियो में। एंड यहाँ पर इम्पुट कर लेने के बाद आपको जो है यहाँ पर बीट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ पे बीट को ऐड करना है ये देख सकते हैं। आपको जो सबसे पहले ऐड करना है, आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको 6.75 में आपको ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक बीट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐड बीट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद फिर से आपको आगे करना। एंड यहाँ पर जो आपको 8.30 सेकंड में आपको जो उस बीट को ऐड करना है, अगला बीट को यहाँ पे नीचे बीट्स वाले ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से ऐड बीट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको जो है एक बीट्स और ऐड करना है, जो कि आपको 10 सेकेंड में ऐड करना है। एंड उसके बाद फिर से म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड नीचे बीट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको 10 सेकेंड में भी एक बीट को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ पे आप बीट को ऐड किए हैं उतना आपको सबसे पहले फ़ोटो को कर लेना है। यहाँ पे बीट पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको बीट पे रखना है। एंड इस फोटो को जो आपको यहाँ पे इतना कर लेना। एंड फिर से आपको जो जितना भी लास्ट वाला फ़ोटो है, आपको जितना म्यूजिक है इतना आपको रख लेना फ़ोटो को, ठीक है। एंड इतने के लेने के बाद यहाँ पर जो आपको सबसे पहला वाला जो फ़ोटो है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड नीचे एनिमेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद ऊपर में आपको इन रखना है। एंड इधर स्क्रॉल करते जाना, यहाँ पर आपको एक अनफोल्ड का जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको आपको अप्लाई कर लेना, ठीक है। इसको जो आपको लगभग 3 सेकंड के आसपास रख लेना, ठीक है, इसको जो आपको 3 सेकंड रख लेना। एंड ये साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड इसी टाइप से जो आपको तीनों फोटो में आपको इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अनफोल्ड यहाँ से जो आपको रख लेना है, ठीक है। एंड अगला फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एनिमेशन वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से जो हम फोटो को रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो हमारा वीडियो बन के जो है रेडी है, ठीक है। इसको जो डाउनलोड करने के लिए ऊपर में 720 दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से जो आपको फुल एचडी कर लेना है, ठीक है। एंड ये इस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको जो वीडियो को डाउनलोड कर लेना है।